नमस्कार, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2। कुल पदों की संख्या है 300। वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एज लिमिट, इम्पोर्टेंट डेट्स और एग्जाम पैटर्न की संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट हमने खोली हुई है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन ओपन है। आप यहाँ देखेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड 2 स्कूल एजुकेशन 2024 का जो एडवर्टाइजमेंट है, लिंक यहाँ दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 2 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों से लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के 300 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ जर्नल कैटेगरी के अंतर्गत पुरुषों के 85 पद हैं, जर्नल WE के यहाँ पर 24 हैं और WD के 9 हैं। SC कैटेगरी में पुरुषों के 30 हैं और वोमेंस के यहाँ पर 4 हैं। ST कैटेगरी में पुरुषों के 24 हैं और जर्नल वोमेंस के हैं 1 पद। OBC कैटेगरी में पुरुषों के 37 हैं और वोमेन के लिए 8 पद हैं और विडोज़ के लिए 1 पद हैं। MBC में जनरल पुरुषों के 8 पद हैं। EWS में जनरल पुरुषों का 20 और जनरल वोमेंस कैटेगरी के 1 पद हैं। तो ये पदों की संख्या है। इसी तरह शहरिया क्षेत्र के अंतर्गत जनरल कैंडिडेट्स के 18 पद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आवेदक ने ग्रेजुएट की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हो, साथ ही डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया गया हो, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही आवेदक को हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि का और राजस्थानी कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा या सेमिस्टर की परीक्षा दे रहे हैं, वो भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे, लेकिन उनको प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता से संबंधित डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं पे वेतनमान जो होगा इन पदों का, लेवल 11 के अंतर्गत 4200 की ग्रेड पे में भरा जाना है। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के SC ST पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS वर्ग के पुरुषों को 5 साल और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल, जबकि SC ST OBC MBC और EWS वर्ग की महिलाओं को 10 साल तक की छूट होगी। ऐसी कैंडिडेट महिलाएँ जो कि राजस्थान की मूल निवासी हैं और विडोज हैं, डाइवोर्सी हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के पदों पर जो चयन प्रक्रिया संपन्न होगी, वो लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसकी सूचना अलग से आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 20 मार्च 2023 है, यानी 20 फरवरी से 20 मार्च 2023 तक रात के 12 बजे तक एप्लीकेशन फीस को सबमिट किया जा सकता है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के पदों के लिए जो आवेदन शुल्क रखी गई है, सामान्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC ST MBC OBC और नॉन क्रीमी लेयर और EWS शहरीय क्षेत्र के कैंडिडेट्स को और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या UPI के द्वारा की जा सकती है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर नॉन रिफंडेबल होगी। लाइब्रेरियन के पदों के लिए जो यहाँ पर एग्ज़ाम स्कीम रखी गई है, 400 अंकों का पेपर होगा, एग्जामिनेशन होगा। इसमें दो पेपर होंगे 200-200 अंकों के। पहला जो पेपर होगा 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय। पहले जो पेपर का सिलेबस होगा, इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्रिकल, कल्चरल,
जनरल नॉलेज राजस्थान से संबंधित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर राजस्थान से रिलेटेड, और करंट जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया से संबंधित प्रश्न होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड जो होगा उसमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेटिव प्रोसेस और रिट्रीवियल से संबंधित प्रश्न होंगे। 200 अंकों का ये पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा। दोस्तों, पदों से अन्य संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को आप जरूर पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। और यहाँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको जाना होगा sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाता है, इस पर आपको जाना है। यहाँ आप देखेंगे इसमें जो राजस्थान के परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको जन आधार का इस्तेमाल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेट्स को गूगल आईडी या जीमेल का इस्तेमाल करना है। जन आधार के लिए यहाँ पर आपसे जन आधार का आईडी या एनरोलमेंट नंबर मांगा जाएगा, उसको आपको दे देना है। जबकि यहाँ अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ जीमेल आईडी आपसे पूछी जाएगी, उस जीमेल आईडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के 300 पदों के लिए ऑनलाइन में मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट कर दें अगर शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ।